ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। एटा में हुआ भीषण सड़क हादसा, दो की हुई मौत, तीन घायल। अलीगंज पटियाला मार्ग पर आमने सामने भिड़ी बाइक, रफ्तार किस कदर परिवारों को उजाड़ देती है, कैसे चंद सेकंड में लोग अपनों से बिछड़ जाते हैं। सरकार चाहे कितने ही कठोर नियम बनाए पर लोग उनका पालन नहीं करते और हादसों में असामयिक काल के गाल में समा जाते हैं। सड़क हादसे में मरने वाला युवक लालू बिना हेलमेट के था, जो मौके पर ही सिर की चोट के कारण दम तोड़ गया। साथ में बैठी महिला नीलेश भी अलीगंज CHC पर चिकित्सक के यहाँ दम तोड़ दिया। तीन अन्य घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया है। मैं आ रहा था उधर से, उधर मोटरसाइकिल मेरे लगा थी। कहाँ से आ रहे थे आप? दावत का। कहाँ से दावत का? लगभग 4:15 पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अलीगंज पर 5 व्यक्ति लाए गए थे जो कि गंभीर अवस्था में थे। इनमें से 2 व्यक्ति जो है मृत अवस्था में आए हैं, इसमें एक पुरुष और एक महिला है। बाकी जो 3 हैं वो भी गंभीर स्थिति में हैं और उनको प्राथमिक उपचार देके आगे की तरफ रेफर किया जाए। हाँ, ये जो है मिलेश जो है वाइफ ऑफ जीवन लाल ढकबुआ की रहने वाली हैं और लालू सरोफ श्याम सिंह ये केलठा के रहने वाले हैं। ये जो है ये उधर से आ रहे थे, आपस टक्कर हुई और टक्कर के बाद इनको तुरंत वहाँ पर पहुँच कर इनको यहाँ पर हॉस्पिटल भेजा गया, तुरंत इनकी जो है मृत्यु। घायलों को कहीं अन्य रेफर किया जा रहा है? हाँ, उनको दोनों को जो है एटा उसमें भेजा। घटना अलीगंज कोतवाली के ग्राम केलठा के समीप घटित हुई थी। प्राइम न्यूज 24 के लिए एटा से विकास दुबे की रिपोर्ट।